वेलकम बैक। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने बताया कि 2022 में 5 LY जो आपको रिजोल्यूशंस लेने चाहिए या अपनी लाइफ में चेंजेस करने चाहिए, वो क्या 5 रिजोल्यूशंस है जो आपकी हेल्थ को मिरेकुलसली पॉजिटिवली चेंज कर देंगे। तो आज मैं 5 चीजें बहुत सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ। ये 5 चीजें आपकी हेल्थ, फिटनेस और आपकी हैप्पीनेस से भरे होंगे। स्टार्ट करता हूं सबसे पहला पॉइंट पर, पांचवें पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इन चारों पॉइंट का समराइज है। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करता हूं, गेटिंग अप अर्ली। रिसर्च और साइंस ने प्रूव किया है कि सुबह के 8 बजे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई लेवल पे होता है। तो जब आप सुबह में जल्दी उठते हैं 4:30, 5, 6 बजे, 6:30 बजे तक, तो ये कॉर्टिसोल लेवल 8 बजे जो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा आया होता है अकॉर्डिंग टू टाइम जोन, ये हाई लेवल पे नहीं पहुंच पाता। कॉर्टिसोल का डायरेक्ट कनेक्शन आपके डिप्रेशन से और स्ट्रेस से होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको शुद्ध हवा के साथ साथ आपके कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल में रहते हैं, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है। इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो बहुत सिंपल है और ये शायद सबसे ज्यादा रिजोल्यूशंस लोग लेते हैं, वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज रेगुलरली से मेरा मतलब है कि आप हफ्ते में, जरूरी नहीं कि मोटा या पतला होने के लिए एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज हमेशा की जाती है हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। इसका कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन मोटापे या पतलेपन से नहीं है। पर हाँ, अगर आप वजन में कम है या अपने वेट को कंट्रोल में रखे हुए हैं तो ये बहुत एक अच्छी बात है, जिससे आपके ऑर्गन्स और सिस्टम्स पे, जो आपके सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, उन पे प्रेशर और लोड कम आता है। तो एक्सरसाइज रेगुलर करने का मतलब है कि चाहे आप पतले हो या मोटे हो, चाहे आपको और वजन बढ़ाना हो या कम करना हो, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए। अगर आपको वजन कम नहीं भी करना है तो हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको वर्कआउट करना चाहिए। रेस्ट देने का प्रॉपर ध्यान रखिए और सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर में एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए। इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है थिंक पॉजिटिवली। ये साइंस और रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि जो आपके विचार होते हैं, जो आपकी सोच होती है, वो आपके बॉडी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलरली वर्क कर रही होती है। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी बॉडी जो है हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट करती है, जो आपकी बॉडी के लिए और स्किन के लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करता है। साथ ही साथ आपके मूड को बूस्ट रखने का काम करता है और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने का काम करता है। तो जो चीज़ फ्री में मिलती है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब सोचना आपके फ्री में ही है तो पॉजिटिव सोच के अपने आप को खुश रखिए और स्वस्थ रखिए, क्योंकि नेगेटिव सोच भी फ्री है और पॉजिटिव सोच भी फ्री है। इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो आपको 2022 में करना चाहिए वो है ईट हेल्दी। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप हमेशा खाते वक्त ये ध्यान रखें कि आप जो खा रहे हो न्यूट्रिशन से भरा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है। अब ईट हेल्दी ये आपका एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। मैं हालांकि आपको थोड़ी सी इस पे जानकारी दूंगा कि आपको क्या खाना चाहिए, जैसे आपको रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह के हेल्दी जो चीजें हैं वो ज्यादा अपनी डाइट में कंज्यूम करनी चाहिए, ना कि जंक फूड या पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्रीज या अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। तो इन चीजों को अवॉइड करना है आपको, अल्कोहल को, जंक फूड को, ज्यादा स्वीट चीजों को, और वही अपनी जो डाइट है उसमें आपको ऐड करना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। खाने का टाइम बराबर रखना इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ये 5 पॉइंट को समराइज करेगी और साथ ही साथ आपको हेल्दी रखने का, और जिसपे हम लोग सबसे ज्यादा पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं, वो है च्यू प्रॉपरली, अपने खाने को चबाना। हम लोग कई बार जल्दी में होते, जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जीते हैं, या स्ट्रेस में होते हैं, या टीवी देखते हुए खाते हैं, या बातचीत करते हुए खाते हैं, तो ये हमारे खाने को अच्छी तरह से चबा नहीं पाते हम। और जब आप खाने को अच्छी तरह से मुंह में नहीं चबाते हैं तो ये आपकी बॉडी में सलाइवा को ऐड जाने नहीं देता। सलाइवा जो आपका लार होता है उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और ऐसा आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि हमारे 32 दांत इसलिए दिए गए हैं ताकि हम हर खाने को, हर कोर को, हर निवाले को 32 बार चबाएं, 32 टाइम्स। तो कोशिश करिए कि जब आप खाना खाते हैं, जो भी चीज आप खा रहे हो उसे अच्छे से चबाने का काम कीजिए, क्योंकि ऐसी एक कहावत है कि दांतों का काम आंतों से मत कराइए। जो काम आपके दांत कर सकते हैं उन्हें दांतों से कराइए,
आंतों पर प्रेशर मत डालिए, आपके इंटेस्टाइन पे प्रेशर मत डालिए, क्योंकि इंटेस्टाइन को उतना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, और जिस वजह से आपकी बॉडी में फैट गेन होने लगता है, क्योंकि एक समय के बाद आपकी इंटेस्टाइन और आंतें थक जाती है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब भी आप जो भी खाना खाते हैं, मेक श्योर कि आप उसे चबाने की आदत डालिए। टीवी देखते हुए या कोई नेगेटिव सीरियल देखते हुए, या फिर जैसा मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, इसके पहले वाले कई वीडियोस जो मेरे चैनल पर रेगुलरली है, उन्होंने देखा होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाना ही खाइए, कुछ और ना बातें, किसी भी तरह का बात करना अवॉइड कीजिए, या फोन पे बात करना अवॉइड कीजिए, कोई भी स्ट्रेस भरी चीज उस समय अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये रिसर्च कहता है कि जो इस तरह की भावनाएं आपकी खाना खाते वक्त होती है वही आपके बॉडी पे इफेक्ट करती है। तो अगर आप स्ट्रेस भरी चीजों को सोच के या बातचीत करके खाना खा रहे हैं तो वो खाने में स्ट्रेस के हॉर्मोन्स बढ़ेंगे, जिससे आपकी लाइफस्टाइल में डिफिकल्टीज होगी, नेगेटिवली चीजें इफेक्ट होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो, आपके कोई कमेंट हो, जो चीज आप सोचते हो कि 2022 में चेंज होनी करनी है आपको या रिजोल्यूशन लेनी है, उसके बारे में भी लिखिए नीचे। आपके कोई क्वेश्चन है वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊं अगर आपका टॉपिक अच्छा हुआ तो, या फिर मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। हमेशा की तरह अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, मुस्कुराना मत भूलिए।